46 डाउन में मेरी 6 नंबर स्टैंडर्ड की टिकट थी, टिकट्स हैं फैमिलीज की, लेकिन इसमें 6 नंबर बिजनेस लगा हुआ है। तो मालूम करने पे पता चला कि यार 6 नंबर जो है वो स्पॉट हो गया था उसमें कुछ, तो उसको हटा के बिजनेस लगा दी गई। ठीक है, तो अब मुझे अब ये कहा गया सवाल किया भाई, मुझे पैसे एक्स्ट्रा क्यों देने पड़ेंगे जब मेरी ऐसी सैनिक की टिकट है, मैंने करवाई है, कोच आपकी गलती की वजह से फोन हुआ, आप लोगों ने चेंज की, तो मैं एक्स्ट्रा पैसे क्यों। चैनल का नाम लिखे ट्रेन एडवेंचर्स, सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आपको मजीद अपडेट्स। सो फ्रेंड्स, पाकिस्तान एक्सप्रेस के जो है वो कोचेस फैसलाबाद वाली आज ये 20 लोकोमोटिव 5106 जो है वो लेके प्लेटफॉर्म नंबर लेके आ रहा है, इसको आगे पुश कर रहे हैं और आगे GU40 रेडी खड़ा है पावर वेल लेके अटैच होने के लिए। अब RG20 लोकोमोटिव जो है वो सो फ्रेंड्स RG20 लोकोमोटिव इसको पुश करके आगे ले गया और आगे दो लोकोमोटिव मौजूद हैं, एक PHA जो पिंडी से गाड़ी को लेकर आया है और एक GU40 खड़ा हुआ है। तो 3 लोकोमोटिव अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं पाकिस्तान एक्सप्रेस को कंप्लीट करने में। तो अब ये देखें RG20 5106 पुश करके आगे ले गया और ये अपनी जिम्मेदारी पूरी करके वापस जा रहा है। अब बकाया कोचिस जो हैं वो आगे दूसरी कोचिस से अटैच होने लगी हैं, PHA पिंडी से आने वाली कोचिस को कैंटीन के साथ, जो एसी बिजनेस की कोचिस होती हैं वो आगे लेके गया कैंटीन के साथ और आगे जाके उसने खड़ा कर दिया और उसके बाद वो वहाँ से निकल के शेड चला गया, जबकि GU40 जो पावर वैन लेके तैयार खड़ता है लगेज वैन लेके, तो वो अब बाकी इन कोचिस से अटैच हो रहा है। तेरा नंबर डब्बा, एक दो तीन चार और एक कैंटीन साथ है पावर वैन, ये तमाम कोचेज जो हैं वो पिंडी के ट्रेन से अलग करके आगे ले जाई गई हैं। इसके बाद 5 नंबर से लेकर 13 नंबर तक कोचेज जो हैं वो इसमें फैसलाबाद वाली लगाई हैं, जिसमें बिजनेस भी शामिल है, एसी स्टैंडर्ड भी शामिल है और इकॉनमी भी शामिल है। तो अब ये तमाम कोचेज जो हैं वो आगे जाके रिटर्न आएंगी और बकाया जो इकॉनमी की पीछे कोचेज खड़ी हैं पाकिस्तान एक्सप्रेस की उससे अटैच कर दी जाएंगी। इसमें आपको एक मज़ीद बात मैं और कह दूं, बताते चलूं कि आज जनाब एसी स्टैंडर्ड की टिकट में बिजनेस लगा दिया गया। अब मेरी 6 नंबर की कोच की टिकट है और एसी स्टैंडर्ड की कोच होती है नॉर्मली वो, लेकिन वो बिजनेस की लगी हुई है। तो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है, क्या करते हैं ये लोग।
मैंने मालूम किया, कह रहे हैं वो कोचेस फॉल्ट था तो उन्होंने कोच चेंज कर दिए, बिजनेस की लगा दी है। तो 46 डाउन में मेरी 6 नंबर स्टैंडर्ड की टिकट थी, टिकट्स हैं फैमिलीज की, लेकिन इसमें 6 नंबर बिजनेस लगा हुआ है। तो मालूम करने पर पता चला कि यार 6 नंबर जो है वो कोच डिफॉल्ट हो गया था, उसमें कुछ तो उसको हटा के बिजनेस लगा दी गई है। तो मैंने जाके टीसी साहब से मालूम किया कि भाई ये क्या प्रोसीजर है, क्या तरीका है। हालांकि पहले कार्यक्रम में भी ऐसे सफ़र कर चुके हैं, उसमें यह था कि उन्होंने कहा था बैठने कोई इशू नहीं है, वो रेलवे का फॉल्ट है, कोच नहीं थी तो हमने बिजनेस लगा दी। इसमें मुझे ये बताया गया कि भाई आप पैसे एक्स्ट्रा देंगे। मैंने उनसे सवाल किया भाई मुझे पैसे एक्स्ट्रा क्यों देने पड़ेंगे, जब मेरी इसी सैनिटरी की टिकट है, मैंने करवाई है, कोच आपकी गलती की वजह से फॉल्ट हुआ, आप लोगों ने चेंज की, तो मैं एक्स्ट्रा पैसे क्यों भरूँ। ठीक है, तो अब मुझे अब ये कहा गया ठीक है मैं आपको कोई और सीट देते हैं, भर देते हैं। उन्होंने देखा शायद उनके पास कुछ चीज़ ऐसी नहीं थी अवेलेबल जो मैं फैमिली के साथ वहाँ पे एडजस्ट हो सकूँ, तो उस इसलिए उन्होंने कहा कि आप बैठें फिर देखते हैं। तो अब ये देखते हैं क्या सीन होता है आगे। एक्स्ट्रा पैसे, मेरा सवाल ये है कि मैं एक्स्ट्रा पैसे क्यों दूँ, जब मेरी एक सीट बुक है ऑलरेडी, मैंने पहले रिजर्वेशन करवाई हुई है, अब वो इसी स्टैंडर्ड की नहीं है टिकट तो उसमें मेरा फॉल्ट नहीं है, रेलवे का फॉल्ट है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा पैसे मैं किस बात के दूँ, 1500 रुपये फी टिकट मैं किस चीज़ के दूँ। सो दोस्तों, आज तारीख है 1 अक्टूबर और दोपहर के तकरीबन 1 बज रहे हैं। पाकिस्तान एक्सप्रेस ऑन टाइम यहाँ पहुँची है। कराची जाने के लिए अभी शंटिंग चल रही है और अभी कोचेज आएंगी, मैं जाता हूँ ज़रा अंदर छाँव में, गर्मी कुछ ज़्यादा है तो एहतियात करनी चाहिए। ये देखें, ये भी एक पावर लाइन खड़ी है। ZFTH लाहौर फैसलाबाद 19/9/2023 इकॉनमी क्लास की कोच। चलती ट्रेन में इस तरह के काम करना ख़तरनाक हो सकता है, लोगों को समझना चाहिए। और ये देखें 7 नंबर बिजनेस क्लास, और ये 6 नंबर कोच है बिजनेस क्लास, जिसमें रिजर्वेशन है, लेकिन ये इसी स्टैंडर्ड की कोच होती है, अब बिजनेस लगाई गई है ये 6 नंबर कोच। बिजनेस क्लास, तो लेट्स सी, अब देखते हैं क्या होता है, अंदर बैठते हैं जाके और अब इनका क्या प्रोसीजर होता है। 6 नंबर के बाद 5 नंबर इसी स्टैंडर्ड है और उससे आगे कैंटीन।
और ये छः अटैच हो रही है दूसरी कोचेस से। सो फ्रेंड्स, ऑन टाइम पाकिस्तान एक्सप्रेस जो है डिपार्ट कर रही है फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से 46 डाउन। तो फ्रेंड्स, छः नंबर कोच पाकिस्तान एक्सप्रेस 46 डाउन 1 अक्टूबर 2023 ए ब्राइट टाइम डिपार्ट कर रही है फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से, बल्कि थोड़ा लेट ही जा रही है। ऊपर आप घड़ी पे देख सकते हैं टाइम 1:30 हो रहा है, 1:14 का डिपार्ट टाइम है। और कोशिश करूंगा कि साथ साथ आपको अच्छी वीडियोस बना के शेयर करूं।